Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing a very important remedy from third prof and that is petroleum. Friends, जब मैं आपके साथ petroleum discuss करूं तो आप इसके skin के symptoms पर ध्यान दीजिएगा और इसके gastrointestinal symptoms पर ध्यान दीजिएगा because most frequently examination में इन्हीं topics से questions पूछे जाते हैं. Also friends, अगर आपने Inside Organon को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, let's start discussing petroleum from your LM key notes. यहाँ पे mention किया गया है that person जो होता है petroleum का वो काफी ज्यादा irritable और quarrelsome disposition का होता है, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ालू person होता है. ये जो person होता है वो काफी ज्यादा easily offend हो जाता है at trifles, छोटी बातों पे भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है. Vexed at everything, हर चीज में इसे vexation होता है, angry हो जाता है person. Ailments, इसकी problem बढ़ जाती है किस चीजों से? From riding in carriage, railroad car या फिर on a ship. ठीक है, ailments which are worse before and during thunderstorm. इसके जो problems हैं ये बढ़ जाते हैं before and during thunderstorm. ठीक है, इसकी जो भी complaints है वो बढ़ जाती है. Symptoms appear and disappear rapidly. इसका जो symptoms होता है वो अचानक से आता है और अचानक से disappear हो जाता है. During sleep or delirium, imagines that one leg is double. Petroleum का जो patient होता है जब ये सोता रहता है या फिर delirium में होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका एक leg जो है वो double हो गया है. एक पैर नहीं है, एक पैर की जगह दो पैर है, या फिर ऐसा फील होता है that कोई जो दूसरा person है वो उसके साथ lie कर रहा है सेम बेड पे. या फिर कैसा फीलिंग होती है उसे दैट देयर आर टू बेबीज इन द बेड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट पेट्रोलियम का जब डेलीरियम में पेशेंट होता है तो उसको ऐसा फील होता है उसका एक पैर दो हो गया है, या फिर दो पर्सन उसके साथ बेड में लाई कर रहे हैं, या फिर देयर आर टू बेबीज इन द बेड. वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है ऑन राइजिंग इन ऑक्सीपट एज इफ इंटॉक्सिकेटेड. इसमें वर्टाइगो लाइक प्रॉब्लम होती है जब भी पर्सन जो है वो सी सिकनेस की वजह से ये हो सकता है. हेडेक जो होता है वो प्रेसिंग होता है, पल्सेटिंग पेन होता है. ठीक है, हेडेक में ऑक्सीपट रीजन में होगा, दैट मींस आंख के पीछे वाले रीजन में होता है और उसको ऐसा लगता है दैट एवरीथिंग इन हिज हेड वर अलाइव. ठीक है, हेड इज मेड अप ऑफ वुड. एक पर्सन है, एक मेडिसिन है जिसमें जो पर्सन है उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज उसको वुड की बनी हुई लगती है. कौन सी मेडिसिन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस गैस्ट्रैल्जिया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दैट गैस्ट्रैल्जिया प्रेगनेंसी के वक्त अगर हो रही है जिसकी वजह से जब भी स्टमक एम्प्टी रहती है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेसिंग पेन होता है, ड्रॉइंग, दैट मींस पर्सन कोई खींच रहा हो ऐसा कुछ पेन होता है जिसमें रिलीफ मिल जाता है बाय कांस्टेंट ईटिंग, तो हम उसके लिए पेट्रोलियम को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, डायरिया कैसी होती है? कैबेज खाने के बाद डायरिया की प्रॉब्लम होती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायरिया हो रही है या स्टॉर्मी वेदर में डायरिया हो रही है तो हम लोग देते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इसकी जो डायरिया होती है ये हमेशा डे टाइम होती है, तो आपको याद रखना है दैट PDD पेट्रोलियम की डायरिया डे टाइम में होती है. ठीक है, पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ द स्किन ऑफ द होल बॉडी. जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी स्किन सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और स्लाइटेस्ट इंजरी में सप्यूरेशन देखने को मिलता है. ठीक है, इसकी जो स्किन होती है हैंड की वो बहुत ज्यादा चैप्ड होती है, रफ होती है. ठीक है, और इसके फीट भी बहुत ज्यादा टेंडर होते हैं जो कि फाउल स्मेलिंग स्वेट में बाथ्ड होते हैं, दैट मींस उसके पैरों में बहुत ज्यादा पसीना होता है. जेनाइटल ऑर्गन्स में हर्पेटिक इरप्शन देखने को मिलते हैं जो कि उस एरिया को बहुत ज्यादा रेड, इची और बहुत ज्यादा पेनफुल बना देते हैं. ठीक है, हीट एंड बर्निंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट एंड पाम्स ऑफ हैंड.
उसका जो पर्सन होता है इसके सोल में या फिर फीट में बहुत ज्यादा हीट या फिर बर्निंग देखने को मिलती है और एक्सटर्नल जेनाइटल में बहुत ज्यादा स्वेटिंग या फिर मॉइस्चर भी देखने को मिलता है इन बोथ सेक्सेस इन द पेशेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। नाउ पेट्रोलियम की जो भी स्किन कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि ये कोल्ड एयर में या फिर कोल्ड वेदर में इसमें एग्रेवेशन मिलता है, तो यहाँ पर चिल्ड्रेंस की दिक्कत या फिर चैप्ड हैंड, जैसे ठंड में हाथ जो है वो बहुत ज्यादा चैप्ड हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं या फिर लिप्स ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई वैसलीन। वैसलीन इज अ पेट्रोलियम जेली, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हो दैट पेट्रोलियम जो होती है इसकी सारी स्किन कंप्लेंट्स, जैसे चिल्ड्रेंस हो गए या फिर जो रफ स्किन है, क्रैक्स और फिशर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा पेट्रोलियम के केस में कि क्रैक्स और फिशर्स देखने को मिलते हैं एवरी विंटर, ये सारी चीजें हर विंटर सीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। कोल्डनेस हार्ट के अबाउट फील होती है पेशेंट को, जिसमें एग्रेवेशन हो जाता है कैरेज राइडिंग से या फिर ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, कई बार विंटर के टाइम पे भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसा कि हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं दैट पेट्रोलियम की सारी प्रॉब्लम विंटर सीजन में बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, मैं डेली मटेरियल मेडिका की एक मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो शेयर करती हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस मिस ना हो तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेडिक्योर बॉडी का जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप इनसाइड और बिना के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।